नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का सालूज किचन एंड ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ आंवले से बनी चार आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आंवले की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 आंवला लिया था। आंवले को मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया था और इसे इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने आंवले के गूदे को निकाल लिया है और बीज को फेंक दिया है। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, हमें बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है। तेल गर्म हो गया है, तेल में डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच धनिया लिया है मैंने, इसे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ली है, इसे भी डाल देंगे, और 2 हरी मिर्च ली है, इसे भी डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो मसाले हमारे गल जाएंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी इसमें हम डाल देंगे कटे हुए आंवले को। आंवले को तेल में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने आंवले को तेल में मिक्स कर दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने से चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से लें। और इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे और इसे अच्छे से आंवले में मिक्स कर देते हैं। और आंच को हमें धीमा ही रखना है। आंवले को हमें धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब तक आंवला अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। यहाँ पे आंवले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, आंवला सॉफ्ट हो गया है। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आंवले को ठंडा होने देंगे। यहाँ पे आंवला ठंडा हो गया है। मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है, आंवले को हम जार में निकाल लेते हैं। और इसमें डालेंगे बारीक कटी हरी धनिया और इसे पीस लेते हैं। इसे हमें हल्का दरदरा ही पीसना है। यहाँ पे मैंने चटनी को पीस लिया है और अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने चटनी को एक बाउल में सर्व कर लिया है। ये चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसे फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। इसे खाने के साथ सर्व करें, खाने का स्वाद बढ़ा देती है। इस तरीके से आप लोग भी एक बार आंवले की चटनी को जरूर ट्राई करें। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो आंवला लिया है, ये पका आंवला है। तो यहाँ पे मैंने आंवले को अच्छे से धो लिया है और अब हम आंवले को गोद लेते हैं। तो आंवले को गोदने के लिए मैंने यहाँ पे कांटा वाला चम्मच लिया है। इस तरीके से हम आंवले को चारों तरफ से अच्छे से गोद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आंवले को चारों तरफ से अच्छे से गोद लिया है। इसी तरीके से हम सारे आंवले को गोद लेते हैं। आंवले को साइड में रख देंगे और यहाँ पे मैंने एक भगोने में 1.5 लीटर के करीब पानी लिया है, या फिर उतना पानी लें जितने पानी में आंवला अच्छे से डूब जाए। और यहाँ पे मैंने ये चूना लिया है, तो पानी में हम 1 चम्मच चूना डाल देंगे इस तरीके से और इसे हम पानी में अच्छे से घोल देते हैं। और इसे भी हम रख देते हैं और आंवले को हम गोद लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे आंवले को गोद लिया है अच्छे से, इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे जो हमने चूने वाला पानी बनाया था, ये देखिए इस तरीके से पानी के ऊपर झाग आ गया है। तो एक छोटा भगोना और लेंगे हम और पानी को इस तरीके से छान लेंगे इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे पानी में चूना बैठ गया है, तो इस पानी को हम नहीं लेंगे, इसे फेंक देंगे। तो यहाँ पे हमारा चूने वाला पानी बनके तैयार है। तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा पानी को हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने आंवले को गोद के रखा है, आंवले को पानी में डाल देंगे सारे आंवले को। आंवला अच्छे से डूब जाना चाहिए पानी में। यहाँ पे मैंने सारे आंवले को पानी में डुबो दिया है।
इसे हमें रात भर के लिए इसी तरीके से रख देना है। आंवले को हम चूने के पानी में इसलिए डालते हैं ताकि इसका कसैलापन थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ पे मैंने आंवले को चूने के पानी में भिगो के रात भर के लिए रख दिया था। अभी इसे हम एक बार साफ पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने धोने के लिए एक बड़े भगोने में पानी ले लिया है और आंवले को हम साफ पानी में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आंवले को साफ पानी में डाल दिया है, इसे हम दो बार धो लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे मैंने आंवले को दो बार साफ पानी से धो लिया है और यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई में आधा कढ़ाई पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को गर्म होने देंगे। यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, अब आंवले को हम पानी में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सारे आंवले को पानी में डाल दिया है और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसे हम ढक देंगे। इसे हमें पानी में उबालना नहीं है, इसे हम एक घंटे के लिए इसी तरीके से पानी में ढक के रहने देंगे। यहाँ पे हमें आंवले को गर्म पानी में रखे हुए एक घंटे हो गए हैं। अब आंवले को हम पानी से बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हम हल्का सा निचोड़ देंगे ताकि आंवले में जो पानी गया हो वो भी निकल जाए। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे आंवले को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे आंवले को पानी से निचोड़कर बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई को धो के ले लिया है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमें बर्तन थोड़ा सा बड़ा चाहिए। अब आंवले को हम इस तरीके से कढ़ाई में रख देते हैं सारे आंवले को। यहाँ पे मैंने सारे आंवले को कढ़ाई में रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1.25 किलो चीनी लिया है क्योंकि आंवले का मुरब्बा बनाने में हमें चीनी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। और इस तरीके से हम सारे चीनी को आंवले पे डाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस चूल्हे पे रख दिया है। आंच को एकदम धीमा रखेंगे और धीमी आंच पे इसे हम ढक देते हैं। और इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। धीमी आंच पे इसे हम 10 मिनट तक रहने देंगे। 10 मिनट के बाद आंवला पानी छोड़ने लगता है और धीरे धीरे चीनी भी घुलने लगेगा। तो 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 10 मिनट हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, चीनी धीरे धीरे घुल रहा है। ये देखिए नीचे। और अब इसे हम चलाते रहेंगे इस तरीके से और धीरे धीरे चीनी घुल जाएगा। और आंच को हमें एकदम धीमा ही रखना है। और इसे हम फिर से ढक देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 15 से 20 मिनट में चीनी अच्छे से घुल जाएगी। यहाँ पे आंवले को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं चीनी कितने अच्छे से घुल गई है और कितनी सारी चाशनी बन गई है। इसे मैंने बीच बीच में 3-4 बार चलाया भी है। अगर हम चाशनी को बनाते समय थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो आंवले के मुरब्बे को हम ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप मुरब्बे को 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। और इसी तरीके से इसे हम ढककर 15 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पे आंवले को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। आंवला यहाँ पे अच्छे से पक गया है तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और आप देख सकते हैं आंवले में कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि हमने इसे रात भर चूने के पानी में भिगो के रखा था इसलिए इसमें इतना अच्छा कलर आया है। और इसे हम ढककर 7-8 घंटे के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। यहाँ पे 8 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक आंवला तोड़ के दिखाती हूँ कि आंवला कितने अच्छे से पका है। ये देखिए फ्रेंड्स, आंवला बहुत अच्छे से पका है। ये बहुत आसानी से टूट जा रहा है और इसके अंदर चाशनी भी बहुत अच्छे से गई है, आप देख सकते हैं। आप इसे ऐसे ही तुरंत खाएं या फिर सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मुरब्बा बनके तैयार है। इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी चाशनी भी कितने अच्छे से बनी है। ये देखिए, आंवले की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 आंवला लिया है, 10-12 कली लहसुन लिया है, 3 हरी मिर्च ली है और मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती लिया है। तो सबसे पहले हम आंवले को छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इस तरीके से हम आंवले को काट लेते हैं, इसके गूदे को निकाल लेंगे और बीज को फेंक देंगे। यहाँ पे मैंने आंवले को काट लिया है, इसी तरीके से हम धनिया के पत्ती को भी काट लेते हैं। मिर्ची को भी हम छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। लहसुन को भी ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, जार में हम सारी चीजों को डाल देंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसे हम पीस लेते हैं। इसे पीसने में हमें पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने चटनी को पीस लिया है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी स्वादिष्ट आंवले की चटनी बनके तैयार है। ये चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आंवले में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तरीके से एक बार आप लोग भी आंवले की चटनी को बनाएं। ये चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। एक बार इस तरीके से आंवले की चटनी बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो आंवले को ग्रेट कर लिया है। आंवले को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैंने इसे ग्रेट किया है। मैंने इसे बड़े होल से ग्रेट किया है, आप चाहे तो पतले होल से भी कर सकते हैं। बड़े होल से ग्रेट करने पे लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे लच्छे बने हैं। मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई ली है और यहाँ पे मैंने 1 किलो चीनी लिया है। तो चीनी को हम थोड़ा सा कढ़ाई में डालेंगे, एक साथ हमें सारी चीनी को नहीं डालना है और चीनी को इस तरीके से फैला देंगे। और अभी इसके ऊपर हम ग्रेट किया हुआ आंवला डालेंगे इस तरीके से। आंवले को भी हमें एक साथ सारे आंवले को नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने आंवले को भी डाल दिया है, अभी हम फिर से चीनी डालेंगे और हम फिर से आंवला डालेंगे। इसी तरीके से हम 3-4 बार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे आंवले और चीनी को कढ़ाई में अच्छे से रख दिया है और अब इसे हम ढक देंगे। इसे हम ढककर मीडियम आंच पर 3-4 मिनट तक पकाएंगे। आंच को हमें मीडियम ही रखना है, आंच को हमें तेज नहीं करना है। आंवले को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी घुलने लगी है। इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंवले के पानी से ही चाशनी बन जाएगा। अब इसे हम फिर से ढक देते हैं। इसे हम ढककर धीमी आंच पे ही पकाएंगे, आंच को हमें तेज नहीं करना है। मैंने आंवले को 5 मिनट और ढक के पकाया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से घुल गई है और इसमें काफी सारा पानी हो गया है। तो अभी से हमें ढक के नहीं पकाना है, अब हम आंच को तेज कर देंगे और तेज आंच पे इसे हम चलाते हुए पकाएंगे जब तक चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, अभी से हमें और पकाना है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे कलर के लिए।
फूड कलर पूरी तरीके से ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद है डालना तो आप डालें, अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसके भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसे अब हम पका लेते हैं चाशनी के गाढ़ा होने तक। अभी यहाँ पे चाशनी काफी ज्यादा गाढ़ी हो गई है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाशनी गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। चाशनी बिल्कुल शहद की तरह होना चाहिए, अगर चाशनी पतला रहेगा तो मुरब्बा खराब हो सकता है। अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर देते हैं। वैसे तो आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, आंवले का सेवन हमें किसी ना किसी रूप में जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इलायची पाउडर को। हमारा आंवले का लच्छेदार मुरब्बा बनके तैयार है। इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद कांच के जार में स्टोर करके रखें, ये साल भर खराब नहीं होगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। एक बार इस तरीके से आंवले के लच्छेदार मुरब्बे को जरूर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।